तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं हूँ सुमित ठाकुर, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं PYQS CGL प्री के। और ये PYQs जो है वो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी के सभी एरर्स के कॉन्सेप्ट्स। एंड मेक श्योर आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें अगर आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में पूरे पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, एरर स्पॉटिंग में एक भी मार्क लूज नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी इस सीरीज को जरूर देखें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो मैंने पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस थे वो अपने लास्ट वाले सेशन के अंदर भी आप लोगों को कराए थे, तो बड़ा बेसिक सा रूल बताया था मैंने कि भाई जब भी पैसिव की बात होती है तो एक्टिव वो सेंटेंस होता है जहां सब्जेक्ट आगे आता है, और पैसिव वो सेंटेंस होता है जहां सब्जेक्ट आगे नहीं आता है। ध्यान रखना, पैसिव वो सेंटेंस होता है जहां पे सब्जेक्ट आगे नहीं आता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे नहीं आ रहा है, इट मींस वो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, जोसेफ ओपेंड द बाइबल। जोसेफ ने क्या करा? बाइबल को ओपन किया है। ठीक है, अब यहां पे ओपन मतलब ओपन करने का काम कौन कर रहा है? जोसेफ कर रहा है। तो अगर ये जोसेफ काम कर रहा है तो जोसेफ इज व्हाट? सब्जेक्ट। तो जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है तो ये एक्टिव वॉइस है, मुझे तो पैसिव वॉइस चाहिए। तो पैसिव वॉइस के अंदर जोसेफ तो आगे नहीं आ सकता, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा सी और डी। ठीक है, जहां पे जोसेफ पीछे की तरफ आ रहा है, बाइबल आगे आ रहा है। अब यहाँ ओपन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हम सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वी थ्री में। किसमें चेंज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वी थ्री में करते हैं। तो यहाँ पे इज आ रहा है तो ये वाला भी आंसर गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात दोस्तों? ठीक है, अब इसके बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या कहता है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। आप लोगों को एरर बताना है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। अब दोस्तों यहाँ पे कुड आ रहा है। कुड का मतलब कि सेंटेंस का आधा पार्ट पास्ट में जा रहा है। अगर ये आधा पास्ट में जा रहा है तो ये वाला भी पास्ट में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से करण के बाद जो ये वर्ब आ रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब गलती यहीं पे है। तो ये डी वाला आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गलती, सॉरी ऑप्शन में सेंटेंस के पार्ट में गलती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब देखो ये हमें दे रखा है पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। कैसे पैसिव वॉइस पता कैसे चलेगा? मैंने भी बताया, जब सब्जेक्ट आगे गिवन ना हो। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब को देखा करो। जैसे भाई द बॉल ऑफ यार्न वॉज बींग नज्ड बाय द किटन। यार्न मतलब एक तरीके का धागा होता है, ठीक है, और नज का मतलब होता है पुश करना या आगे की तरफ धकेलना। ठीक है, तो भाई अब ये नजिंग का काम कौन कर रहा है? किटन कर रही है ना, बिल्ली का बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो भाई जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, आगे तो नहीं आ रहा। तो ये पैसिव वॉइस में, और हमें इसे एक्टिव वॉइस में लेके जाना है। एक्टिव वॉइस में ले जाएंगे मतलब ये किटन जो है ये आगे की तरफ होना चाहिए। तो भाई किटन कहाँ कहाँ आगे आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर, सब में भाई किटन आगे आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ वॉज बींग आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉज बींग। ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जब वॉज या वर आता है तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो हम वॉज वर को वॉज वर प्लस बीइंग में चेंज करते हैं। तो उस केस में देखा जाए तो यहाँ पे वॉज वर बीइंग अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में वॉज वर आना चाहिए। तो यहाँ वॉज आ रहा है, यहाँ इज आ रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ हैज आ रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ वॉज आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वॉज वर जो है ये एक्टिव वॉइस वाला है, और एक्टिव वाले वॉज वर में क्या होता है? साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। यहाँ वॉज में थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये नहीं हो सकता आंसर। ये होगा ये वाला, द किटन वॉज नजिंग द बॉल ऑफ यार्न। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आगे क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट एंड वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। ठीक है भाई,
एक में एरर है, तो क्या लिखा है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, ही प्रॉमिस देम दैट ही वुड श्योरली रीपे द लोन अर्जेंटली। तो क्या बोला है, ही प्रॉमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली। बेटा यहां पे ध्यान से समझो, ही वुड श्योर रीपे, अगर मैं श्योर यहां पे लिख रहा हूं तो श्योर एक एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहां पे श्योर एक एडजेक्टिव नहीं है, क्लियर। यहां पे श्योर जो है ये रीपे, रीपे मतलब जो वर्ब है उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, इट इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब जो है वो श्योर नहीं हो सकता, श्योर एक एडजेक्टिव है, श्योर का अगर मैं एडवर्ब बनाऊंगा तो साथ में मैं एलवाई लगा दूंगा। तो ही प्रॉमिस देम दैट ही वुड श्योरली रीपे द लोन अर्जेंटली, जैसे अर्जेंटली जो है वो एक एडवर्ब है, उसी तरीके से श्योरली भी एक एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ ए में गलती। अगला पांचवे पे आ जाते हैं दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखो हमें पैसिव वॉइस दिया है, बाय हुम वाज द कॉफी मेड, हमेशा ध्यान रखो एक्टिव वॉइस में अगर हु आता है तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हु का चेंज हम कर देते हैं बाय हुम में, किस में चेंज कर देते हैं, बाय हुम में। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी बाय हुम दे रखा है ना, पैसिव वॉइस है, बाय हुम दे रखा है, तो बाय हुम को मतलब पैसिव को पीछे सब एक्टिव में लेके जाओगे तो बाय हुम वापस हु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हु कहाँ कहाँ दे रखा है, चारों में भाई हु दे रखा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ वॉज गिवन है, ध्यान रखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक्टिव वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म आ रही हो तो पैसिव में वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज होता है। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में देखो वॉज दे रखा है, मतलब यहाँ पे अगर पैसिव में वॉज है साथ में V3 है मेड, तो जब एक्टिव की बात होगी तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए खाली। तो हु हैड देखो ये गलत है, हु मेक्स भी गलत है, ऐसे ये सारा है, सेकंड फॉर्म चाहिए मुझे, हु मेड द कॉफी ये ठीक हो सकता है, ये भी गलत है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट शुड बी सी। बच्चों देखो क्वेश्चन का आंसर निकालना एक अलग बात होती है, और क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है उसका कॉन्सेप्ट पता होना एक अलग बात होती है। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हारी जो बुनियाद है ना, मेरे से शर्त लगा लो, मेरे से लिखवा लो, कोई हिला नहीं सकता, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेक श्योर हर एक क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता हो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ शी माइट हैव लिखा हुआ है, कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, तो माइट हैव जो गिवन है दोस्तों ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में अगर कहीं पे माइट हैव गिवन होता है तो जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका चेंज किस में हो जाता है, माइट हैव बीन में हो जाता है। तो यहां आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है चारों में से जहां माइट हैव बीन दे रखा है, जैसे देखो यहां नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है, देखो सिर्फ ये रहा माइट हैव बीन, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट शुड बी सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो मतलब पैसिव दे रखा है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, हैड बीन प्रिपेयर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, हैड बीन प्रिपेयर्ड दे रखा है, हैड बीन प्लस V3 दे रखा है। एक्टिव वॉइस में जब हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3 आता है, उस हैड प्लस V3 को हम हैड बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं, मतलब अगर मैं इसे पैसिव से एक्टिव में लेके जाऊंगा तो मतलब मुझे हैड में कन्वर्ट करना है। यहाँ हैव दे रखा है ये गलत है, यहाँ हैड दे रखा है हो सकता है, यहाँ हैज दे रखा है ये भी गलत है, यहाँ बिल दे रखा है ये भी गलत है, आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ में आ रही है ना बात भाई, समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर शाउट आउट देना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। भाई ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ये देखने के लिए आप इनकरेक्ट भी ढूंढ सकते हो कि इनकरेक्ट कौन सा है। द सुप्रिया, बेटा नेम के साथ कभी भी द नहीं आ सकता तो ये गलत है। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है भाई, सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल, बेटा बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, इसका पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, कंपैरेटिव होता है बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट, और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, तो मतलब ये वाला तो हो गया गलत, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो सुप्रिया इज अ बेस्ट गर्ल, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले कभी आ नहीं आ सकता, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। ये कॉन्सेप्ट नोट करने हैं साथ में, ठीक है। 9 क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आई थिंक जमी विल नॉट हैव सेव्ड, अब देखो यहां विल नॉट हैव आ रहा है, क्या आ रहा है, विल नॉट हैव आ रहा है, हमेशा ध्यान रखो जहां पे भी विल नॉट हैव आता है तो विल नॉट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ विल नॉट हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इट इज योर मिस्टेक। तो यहाँ पे गलती जो है वो डी वाले ऑप्शन में, हैव के साथ यहाँ सेव्ड आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं,
दैट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। लव्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करोगे आप? वॉज या वर्ब में करोगे? मैंने पहले भी समझाई थी ये चीज। ठीक है, तो यहां पे वॉज लव्ड, देखो यहां पे गिवन है, ये भी गिवन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हर परफॉर्मेंस, देखो हर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट था, इसी को आगे लाएंगे तो हर परफॉर्मेंस ही आएगा, वाय बाय द ऑडियंस। ठीक है, द परफॉर्मेंस वॉज लव्ड बाय हर, ये गलत है क्योंकि द ऑडियंस सब्जेक्ट है तो ये पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक, अगला सी इज लाफिंग एट मी, तो इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना है। तो भाई लाफिंग, इज लाफिंग गिवन है? इज गिवन है ना, तो जहां पे भी एक्टिव वॉइस में इज एम आर गिवन होता है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस बींग में चेंज करते हैं। किसमें? इज एम आर प्लस बींग में चेंज करते हैं। बींग कहाँ आ रहा है यहाँ? देखो यहाँ पे बींग इस जगह पे आ रहा है और इस जगह पे आ रहा है। अब मी को आगे लाएंगे और इज आ रहा है तो इज एम आर का चेंज इज एम आर बींग में होगा, वॉज फॉर बींग में तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ये डी वाला, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन बड़ी आसानी से। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है हमें। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म। बच्चों गलत है, ओल्ड में ओ का साउंड आ रहा है जो कि वॉल साउंड है। क्या है? वॉल साउंड है, इसीलिए इसके साथ एन आना चाहिए, ए नहीं आ सकता। अगला, इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। यूनिफॉर्म के साथ ए एन में से कुछ तो आना चाहिए था, गिवन नहीं है। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे एक जनरल चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिक सेंस की बात नहीं हो रही, तो दी लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, तो यहाँ एन आ रहा है ओल्ड यूनिफॉर्म के साथ, ओ वॉल साउंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट शुड बी डी। ठीक है भाई, लास्ट के तीन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। मतलब आपको पास्ट टेंस वाला ढूंढना होगा यहाँ। द डिक्लेरेशन विच कम आउट, कम आउट में फर्स्ट फॉर्म आ रही है भाई, ये तो नहीं हो सकता। द डिक्लेरेशन विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल, ठीक है भाई ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, फ्यूचर में जा रहा है। द डिक्लेरेशन विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। अब देखो यहाँ पे वर नॉट डिपेंडेबल लिखा है, यहाँ आर नॉट डिपेंडेबल लिखा है, ये तो पास्ट में जा रहा था बट ये वाला पार्ट प्रेजेंट में जा रहा है। हमें पूरा पास्ट टेंस चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ आंसर बी होगा क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म भी आ रही है और साथ में वर्ज वर्ब भी आ रहा है। अगले 14 पे आ जाते हैं दोस्तों। एरर बेस्ड क्वेश्चन है। सजनी हैड इंटरफेयर। बच्चों हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ हैड के साथ आना चाहिए इंटरफेयर, तो यहाँ गलती है इस ए वाले पार्ट के अंदर। 15 क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। दैट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ही डज नॉट बाय शर्ट, तो यहाँ क्या गिवन है? डज नॉट गिवन है। क्या गिवन है? डज नॉट गिवन है। डज नॉट का चेंज हम किसमें करेंगे? डू डज का चेंज हम इज एम आर प्लस वी थ्री में करते हैं, तो इज एम आर वी थ्री कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ वर आ रहा है, ये गलत है, यहाँ ठीक हो सकता है, यहाँ वर आ रहा है, ये भी गलत है, ये ठीक हो सकता है। तो शर्ट्स आर नॉट बॉट बाय हिम और शर्ट्स आर नॉट ब्रॉट बाय हिम, तो बच्चों बाय की बात हो रही थी, तो बाय की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है ना कि ब्रॉट, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक चीज का समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए दोस्तों मेक श्योर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रेगुलर शॉर्ट्स वीडियो भी डालते रहता हूँ जिससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, आपको नए नए कॉन्सेप्ट इंग्लिश में सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक और बार कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी वीडियोज के जरिए आप लोगों को हेल्प मिले। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है वो पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा।